हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। बहुत बधाई हो आप सबको कि लाइव कंटिन्यू क्लासेस आपकी बढ़ती जा रही हैं। अब तो मुझे ये भी भरोसा हो चुका है कि ऐसा कोई वीडियो शूट नहीं बचेगा जो एसएससी यूपी ट्रिपल एससी रेलवे के लिए बकाया होगा। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर पद पर होने के कारण कि चाहे वो मैथ होगी, चाहे रीजनिंग होगी, चाहे जीएस होगी, चाहे हिंदी होगी, चाहे करंट अफेयर होगी, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ये मेरा वादा होगा आपसे, क्योंकि मेरा बच्चा जो मेरे यहाँ पढ़ चुका है वो भी कह रहा है, इमरान सर हम राजस्थान आ गए हैं, हम एमपी आ गए हैं, अगर आप ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे सर तो हमारा रिविज़न होता रहेगा। आज सारे लोग लाइव आ जाइए भाई। हाँ भाई, सुबह मिश्रा नमस्कार, गुड मॉर्निंग अभय, गुड मॉर्निंग अतुल, गुड मॉर्निंग। सारे लोग लाइव आना शुरू करिए। ये मुझसे कुछ बच्चों ने कहा, इमरान सर हम इसको शेयर कैसे करें? शेयर करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जुगत की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा प्रिय है वो तुमसे पूछेगा ही पूछेगा, भाई इसको शेयर कैसे करें सर, अपने परिवार को बढ़ाने में हम जब आप मेरे लिए पसीना फेंक सकते हैं सर, तो फ्री पढ़ा सकते हैं, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर कुछ नहीं करना है, स्टेटस लगा देना है और जो ग्रुप में मित्र हैं उनको भेज देना है और उनसे एक लौता बात कहनी है। हिंदी इमरान सर पढ़ा रहे हैं, ओम सर मैथ पढ़ा रहे हैं, सुधीर सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर भी पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। प्रैक्टिस जब एग्ज़ाम करीब आ जाएगा प्रैक्टिस सीट भी कराई जाएगी। तुलना कर लीजिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पर डे आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे। आगे अब हमारी अभी क्लास चालू होगी, मैं चाहता हूँ वीडियो बहुत कम समय में हो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करनी है। धन्यवाद आज के लिए, अब रख रहा हूँ मैं, अब कंटिन्यू क्लास पर बात कर रहा हूँ। क्रिया सर 5 मिनट, अभी देख लीजिए, 5 मिनट के अंदर क्रिया कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। क्रिया की परिभाषा क्या है पहले पढ़िए, जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। यह हुई किताबी परिभाषा, जिस शब्द किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हो साधारण भाषा में, इमरान सर की भाषा में, कर्ता के द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है सब क्रिया है। बेसिक बात हो गई ना, कर्ता के द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है सब क्रिया है। कर्ता जितना भी कार्य अपने जीवन में करेगा सब क्रिया होगी, उसके सिवा और कुछ नहीं होगी। क्लियर हो गई? क्लियर है ना भाई? कर्ता के द्वारा जितना कार्य किया जाएगा सब क्रिया होगी। क्रिया कहोगे इमरान सर उदाहरण देकर और अच्छा समझा दीजिए इसको हल्का सा, तो मैं कहूंगा राम ने खाना खाया, तो राम कर्ता हुआ, खाना कर्म है और खाया क्रिया है। कर्ता ने कार्य कर लिया ना भाई खाना खाने का, मैंने परिभाषा भी तो यही बताई, कर्ता के द्वारा जितना कार्य किया जाता है सब क्रिया है। अब कोई डाउट नहीं होगा ना। आपने कहा सर पहले उदाहरण में बहुत मजा नहीं आया, मैंने कहा मजा कुछ और ले लो दूसरा उदाहरण के साथ। भाई विद्यालय जाता है, कहो सर विद्यालय बंद है, मैं कहूँ कोरोना से पहले उसके बाद। भाई विद्यालय जाता है तो भाई करता है ना, जाने कार्य कौन कर रहा है? भाई विद्यालय कर्म के रूप में, साधन के रूप में है, जाना क्रिया के रूप में है, हाँ है ना? अब तो कोई डाउट नहीं होगा भाई। अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, अध्यापक करता हुआ पढ़ाने कार्य कर रहा है, पढ़ाना क्रिया हुई, ये कर्म अथवा साधन हुआ, कोई डाउट तो नहीं होगा, क्लियर है? अब आइए, क्रिया में कोई डाउट नहीं, कर्ता द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा सब क्रिया होगी। मैंने कहा राम ने खाना खाया, राम करता हुआ कार्य कर रहा, कौन रहा है? राम कर रहा, तो कर्ता कौन हुआ? राम हुआ। खाना कर्म हुआ, खाने का कार्य जो किया जा रहा है क्रिया। अध्यापक कक्षा में पढ़ाता, अध्यापक करता है पढ़ाने कार्य कर रहा है,
पढ़ाना क्रिया है, कक्षा कर्म के रूप में यहां आएगा या साधन के रूप में, माध्यम के रूप में आएगा। क्रिया के भेद तो ध्यान रखिएगा सर, क्रिया के दो भेद हैं, क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा सुनिए, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। कहोगे सर व्यापार का फल कर्म पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो जो हिमालय पहाड़ मेरे सर पे लगकर आपने बजा दिया, पूरी तरीके से रख दिया। मैंने कहा जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पड़ता है, साफ साफ बात है, जहां क्रिया काज सुनना, जहां क्रिया कर्ता पर निर्भर नहीं होती, कर्म पर निर्भर होती है। जहां क्रिया क्या पढ़ रहे हो, क्रिया पढ़ रहे हो ना, जहां क्रिया कर्ता पर निर्भर नहीं होती, कर्म पर निर्भर होती है, वहां सकर्मक क्रिया होता है, और जहां क्रिया कर्ता पर निर्भर होती है वहां कर्मक क्रिया होती है। इतनी बात है, मैंने कहा जहां क्रिया के व्यापार का फल कर्म पड़ता है, जहां क्रिया कर्म पर निर्भर होती है। राम ने गाना गाया तो राम करता हुआ, पढ़ क्या रहे हो, क्रिया, तो गाया क्या हुआ, क्रिया हुई गाना कर्म, गाया क्या गया, क्रिया पढ़ रहे हो ना, गाया क्या गया, गाना, तो क्रिया किस पर निर्भर हुई, राम उगा दिया क्या, क्रिया ने राम उगा दिया क्या, नहीं ना, क्रिया ने गाया क्या, क्रिया किस पर निर्भर हुई, कर्म पर ना। परिभाषा क्या लिखी हो, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, साफ साफ परिभाषा है, क्रिया किस पर निर्भर हुई, कर्म पर, तो गाना गाया क्या गया है, गाया क्या गया है, गाना ना, तो इसका मतलब क्रिया किस पर निर्भर हो गई, और जहां क्रिया कर्म पर निर्भर होगी वहां सकर्मक क्रिया होगी, कोई डाउट। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया तो पढ़ाया क्या, पढ़ाया क्या, पाठ ना, तो पढ़ाया पाठ, यहां ये पढ़ाया पूरा लिखिए, पहले पढ़ाया, ये क्रिया हो गई, ये कर्म हो गया, कर्ता से कोई लेना देना नहीं है, परिभाषा साफ कह रही है जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। तो पढ़ाया क्या, क्या पढ़ाया, पाठ ना, तो इसका मतलब क्रिया किस पर निर्भर होगी, कर्म पर, और जहां क्रिया कर्म पर निर्भर होगी वहां कौन सा कारक होगा, क्रिया होगी, सकर्मक, कोई डाउट, अकर्मक क्रिया, जहां जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं, यहां कर्म पर पड़ता है सकर्मक में, अकर्मक में कर्ता पर पड़ता है। एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा, अकर्मक क्रिया में, कायदे सुनिएगा, अकर्मक क्रिया में कर्म होगा ही नहीं, अकर्मक क्रिया में कर्म होगा ही नहीं, अगर कर्म होगा तो अकर्मक क्रिया नहीं होगी। अब कोई डाउट, इतना शॉर्ट, राजेश गाया तो राजेश सर क्या हुआ, राजेश क्या हुआ, कर्ता, गाया क्या हुआ, क्रिया, राजेश गाया ना, तो राजेश गया तो चला गया, तो सर गया क्या हुआ, क्रिया हुई, और राजेश जाने कर कौन कर रहा है, राजेश कर रहा है, तो क्रिया किस पर निर्भर हुई, कर्ता पर, और जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, जहां क्रिया किस पर निर्भर होती, कर्ता पर, कर्म का पता ही नहीं होता, वहां पर कौन सी क्रिया होगी, अकर्म। हम रोए, रोया कौन, हम ना, हम कर्ता हुए, और रोना क्रिया हुई, तो क्रिया किस पर निर्भर है, कर्म पर। वह हंसा, कौन हंसा, हंसा क्रिया हो गया, और वह करता हुआ, हंसने कार्य कर रहा है, तो क्रिया किस पर निर्भर हुई। ध्यान रखिएगा, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा, अगर कर्म होगा तो सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक में नहीं जाएगी। ये हुआ आपका क्रिया, क्रिया भी कंप्लीट है, पूरा वाक्य दे देगा, पूछेगा सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, चार ऐसे ही उदाहरण दे देगा, और पूछेगा निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सा है, पूछेगा निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया कौन सी है, पूछेगा अगर वाक्य में कर्म का बोध ना हो तो सकर्मक क्रिया होगी अकर्मक, तो बताइएगा कर्म का बोध ना हो तो अकर्मक क्रिया होगी, कर्म का बोध हो तो सकर्मक क्रिया होगी। आज के लिए ये क्लास पूरी होती है, इससे शॉर्ट और कुछ नहीं हो सकता हिंदी में, क्रिया का कंप्लीट है। अभी भी जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए,
जो मित्र, जो स्टूडेंट कोई भी एजुकेशन संबंधित बात जानना चाहते हैं अध्ययन एकेडमी के बारे में कि सर क्या हो सकता है, पीडीएफ फाइल भी हमारी बननी तैयार हो चुकी है। हम बहुत जल्द पीडीएफ फाइल पे भी आएंगे। जितने लोग अगर जुड़ना चाहते हैं अध्ययन एकेडमी से व्हाट्सएप पे तो 9935587711 पर आप अपने मैसेज को डाल दीजिए, अपनी एक फोटो डाल दीजिए, अपना मैसेज डाल दीजिए, कहां निवासी वो डाल दीजिए, अपने आप आपको अध्ययन एकेडमी से संबंधित सारी चीजें मिलती जाएंगी। आज के लिए धन्यवाद, अगली मुलाकात कल होती है।